आज हम कंपेयर करने वाले हैं अरिस्टोक्रेट 40 लीटर और प्रिवो 40 लीटर। जैसे आप देख सकते हैं इस बैग पे भी मेंशन है 40 लीटर, वैसे ही अरिस्टोक्रेट ने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है 40 लीटर, यानी दोनों का जो स्टोरेज स्पेस है वो बिल्कुल सेम है। दूसरी बात, जो दोनों ही ब्रांड आपको देते हैं ये भी 12 मंथ्स की वारंटी देता है, प्रिवो भी आपको 12 मंथ्स की वारंटी दे रहा है, अरिस्टोक्रेट भी आपको 12 मंथ्स की वारंटी दे रहा है। साथ के साथ दोनों का जो बेस, अगर हम दोनों का बेस देखें तो दोनों का बेस जो है वो पैडेड है, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिनी स्टैंड मिल जाते हैं इस जगह पे, और साथ के साथ प्रिवो में भी आपको यहाँ पे मिनी स्टैंड्स मिल जाते हैं। दोनों ही बैगों ने काफ़ी जो फीचर्स हैं वो सेम दिए हैं, और लेकिन एक दो फीचर्स हैं जो आपको एक ब्रांड में ज़्यादा बेटर मिलेंगे, कौन से वो फीचर्स हैं और किस में हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अरिस्टोक्रेट की। इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है, प्रिवो की बात करें तो इसका जो फैब्रिक है वो भी पॉलिएस्टर है। अरिस्टोक्रेट वाटर रेसिस्टेंट है, ये एक हल्की बरसात या स्पैशेस को झेल सकता है। प्रिवो की बात करें तो ये भी हल्की बरसात और स्पैशेस को झेल सकता है, लेकिन अगर तेज़ बारिश हो तो उसके लिए प्रिवो ने आपको रेन कवर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको ये रेन कवर मिलेगा, ये रेन कवर आप यूज़ कर सकते हैं और बैग को कवर कर सकते हैं, तो ये हैवी रेन में भी आपको जो सामान है वो अंदर गीला नहीं होगा, सेफ रहेगा। वहीं अरिस्टोक्रेट ने ये चीज़ कमी करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई रेन कवर नहीं दिया गया है। तो पहली चीज़ जो हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा वो ये है कि इसमें रेन कवर है, प्रिवो में रेन कवर है, अरिस्टोक्रेट में रेन कवर नहीं है। हालांकि दोनों ही वाटर रेसिस्टेंट है, हल्की फुल्की बारिश दोनों ही झेल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको फ्रंट में दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई यूटिलिटी पॉकेट नहीं है फ्रंट में, मिडिल में ये यूटिलिटी पॉकेट यहाँ दे रखी है। वहीं अगर प्रिवो की बात करें तो प्रिवो के पास दो यूटिलिटी पॉकेट हैं, एक आप यहाँ फ्रंट में तो देख ही रहे हैं ये है ही है, और इसका जो स्पेस है ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं नीचे तक स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस देता है प्रिवो। वहीं यहाँ पे कोई फ्रंट में ऐसी यूटिलिटी पॉकेट नहीं है, मिडिल में आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक प्रिवो में यूटिलिटी पॉकेट मिलती है, ये भी काफ़ी अच्छी खासी गहरी है, ऐसी भी कोई यूटिलिटी पॉकेट इसमें नहीं है। हालांकि इसका जो कंपार्टमेंट है ये बेसिकली पॉकेट की जगह कंपार्टमेंट है, ये ऑर्गेनाइजिंग कंपार्टमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्लीव स्लॉट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक की होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर हम ओपन करें तो हम देख सकते हैं नीचे से काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है देखने के लिए, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजिंग पॉकेट्स मिल रही हैं फ्रंट में। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रिवो के फ्रंट कंपार्टमेंट में आपको इसमें भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग पॉकेट्स मिलती हैं, और इसका भी जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है अगर आप देखना चाहें तो। जैसा कि मैंने कहा इसमें भी आपको ऑर्गेनाइजिंग पॉकेट मिल रही हैं, इसमें भी आपको ऑर्गेनाइजिंग पॉकेट मिल रही है, तो ये भी इन दोनों में सेम है, लेकिन प्रिवो के पास एक्स्ट्रा पॉकेट्स हैं फ्रंट में, वो अरिस्टोक्रेट के पास नहीं है। बात करते हैं हम बैक पॉकेट की, तो ये अरिस्टोक्रेट की एक बैक पॉकेट है, इसमें आपको ये स्मॉल जिपर मिल जाएगी, जिपर पाउच है, इसमें आप छोटे मोटे आइटम रख सकते हैं, कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स रख सकते हैं। और ये मेन कंपार्टमेंट है अरिस्टोक्रेट का, ये पूरी तरह पैडेड है पीछे से, और अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसमें। वहीं अरिस्टोक्रेट ने आपको कोई लैपटॉप स्लीव नहीं दी है इसमें, आप देखें तो इसमें कोई लैपटॉप स्लीव नहीं है, लेकिन अगर हम बैक कंपार्टमेंट देखें, जैसे ये फ्रंट था प्रिवो का बैक कंपार्टमेंट है, तो इसमें आपको लैपटॉप स्लीव मिलती है, आप देख सकते हैं वेलक्रो होल्डिंग स्ट्रैप भी है साथ में ही, आपको स्लीव मिलती है, इसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं, इसका बैक भी पैडेड है, स्लीव भी पैडेड है, तो इसमें बहुत अच्छे से आपका लैपटॉप रहेगा। इसमें कोई स्लीव नहीं है, बैक जो है वो पैडेड है, लेकिन अरिस्टोक्रेट ने एक चीज़ अच्छी करी है जो प्रिवो ने नहीं करी है। जी हाँ, पहली एक ऐसी चीज़ जो अरिस्टोक्रेट के पास अच्छी है वो है इसकी बैक पे ये हिडन पॉकेट, ये आप देख सकते हैं, ये एक हिडन पॉकेट होने के साथ साथ एक लैपटॉप कंपार्टमेंट भी है। इसका जो ये वाला पार्ट है ये भी पैडेड है, तो यहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अरिस्टोक्रेट ने फिर एक गलती कर दी है, इसमें आपका फुल स्क्रीन लैपटॉप नहीं आ सकता, मतलब 15.6 इंचेस का लैपटॉप नहीं आएगा, इसमें आपका मिनी लैपटॉप आएगा या टैबलेट आएगा, इसमें आप अपना फुल साइज लैपटॉप नहीं रख सकते हैं, ये एक कमी है। हालांकि काफ़ी अच्छी पॉकेट है और एक तरह से हिडन पॉकेट है, लोगों को पता भी नहीं लगता है ऐसी कोई पॉकेट है बैक साइड पे, काफ़ी सिक्योर पॉकेट है, आप देखें तो आपको पता नहीं लगेगा कि कोई पॉकेट है वहाँ पे। यहाँ इसमें ऐसी कोई पॉकेट नहीं है बैक में प्रिवो में, क्योंकि प्रिवो ने अंदर ही आपको एक लैपटॉप स्लिप दे दी है, पैडेड है, तो आपका लैपटॉप इसमें सिक्योर रहेगा।
बात करते हैं दोनों के बैक की, तो इसकी स्टेप्स भी पैडेड हैं, इसकी स्टेप्स भी पैडेड है, दोनों में सेम पैडिंग्स हैं, दोनों में आपको कंफर्ट मिलेगा, दोनों में एयर चैनल्स हैं, दोनों में ब्रेथेबिलिटी रहेगी, तो जो स्वेटिंग है स्वेटिंग नहीं होगी, आपकी बैक को आराम मिलेगा, दोनों में ही चैनल्स हैं। लेकिन कुछ चैनल्स जो चैनल क्वालिटी है वो इसमें बेटर है, क्योंकि इसमें बेटर पैडिंग है, जो आपकी पैडिंग एयर चैनल्स में वो बेटर है, तो आपको ज़्यादा कम्फर्टेबल लगेगा बैक पर। इसकी पैडिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, क्योंकि दोनों में ये जो मैश सरफेस है, इसमें मैश सरफेस कम है, इसमें मैश सरफेस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, दोनों का बैक अच्छा है। वहीं एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो आपको प्रिवोक में एक चीज़ है जो बेटर है, एक चीज़ इसमें बेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं अरिस्टोक्रेट में ये ट्रॉली सपोर्ट के लिए स्लीव है, स्ट्रैप है बेसिकली, इसमें ट्रॉली हैंडल्स अंदर चले जाते हैं, जैसे आपका ट्रॉली बैग है तो आप बैग को ऐसे करके फंसा सकते हैं, आपके जो हैंडल्स हैं ट्रॉली के अंदर चले जाएंगे और बैग उस पर अटैच हो जाएगा, यानी आपको ये बैग और ट्रॉली अलग अलग लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को एक साथ लेके घूम सकते हैं। ये ट्रॉली स्ट्रैप आपको प्रिवोक में नहीं मिलती है, लेकिन प्रिवोक में आपको एक दूसरा फीचर मिलता है, आपको हिप बैग्स पे जिपर्स मिलती हैं, आप इन जिपर्स में चीज़ें कुछ स्टोर कर सकते हैं, आपकी कीज़ हो गई, कुछ खाने की चीज़ हो गई, आपके चार्जर्स हो गए, या कुछ कार्ड्स हो गए, या मनी हो गई, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको अरिस्टोक्रेट में नहीं मिलेगा। पैडिंग दोनों की सेम है, दोनों में हिप बेल्ट्स हैं, दोनों में स्टर्नम बेल्ट नहीं है, जैसे यहाँ स्टर्नम बेल्ट है वैसे यहाँ पर भी स्टर्नम बेल्ट है। तो हमने जैसे कि देखा, अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें किस में अच्छी हैं, एक अच्छे ओवरव्यू के लिए। एरिस्टोक्रेट में आपको ट्रॉली स्लीव मिल रही है, प्रिवोक में नहीं मिल रही है, प्रिवोक में आपको हिप बेल्ट्स पे पॉकेट मिल रही हैं, एरिस्टोक्रेट में पॉकेट नहीं मिल रही हैं, बाकी बैग सेम है दोनों का। साथ के साथ आपको प्रिवोक में ये एक रेन कवर मिल रहा है, रेन कवर, एरिस्टोक्रेट में आपको रेन कवर नहीं मिल रहा है, प्रिवोक में आपको एक्स्ट्रा पॉकेट्स मिल रही हैं, एरिस्टोक्रेट में आपको एक्स्ट्रा पॉकेट्स नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे एरिस्टोक्रेट में आपको वन साइड एक साइड वाटर बॉटल पॉकेट मिलेगी, सेम ऐसे ही आपको प्रिवोक में मिल जाएगी। वहीं दूसरी साइड एरिस्टोक्रेट ने एक जिपर दिया है, इसमें आप चार्जर्स वगैरह रख सकते हैं, चार्जर रखिए, पावर बैंक रखिए, लेकिन प्रिवोक में कोई ऐसी जिपर पॉकेट नहीं है साइड में, यहाँ पे सिंपल वाटर बॉटल के लिए। वहीं एक और चीज़ कि इसमें कोई लैपटॉप स्लीव नहीं है, इसमें लैपटॉप स्लीव है। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहें, देखिए पहले तो दोनों सेम प्राइस रेंज के हैं, दोनों ही आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ये भी 1000 का है, ये भी 1000 का है, तो सेम प्राइस रेंज में। अगर आप लैपटॉप कैरी करना चाहते हैं, अगर आप पॉकेट्स ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप रेन कवर चाहते हैं, तो आप प्रिवोक खरीदिए, प्रिवोक इज़ अ बेटर चॉइस। वहीं अगर आप कुछ इस तरह की पॉकेट्स चाहते हैं, जैसे यहाँ साइड में जिपर पॉकेट है, और अगर आप ट्रॉली लेके चल रहे हैं और ट्रॉली स्ट्रैप चाहते हैं जिससे आपका बैग ट्रॉली पे अटैच हो जाए, तो एरिस्टोक्रेट बेटर है मेरी नज़र में। मैं प्रिवोक को चुनूंगा, क्योंकि प्रिवोक में आपको ज़्यादा पॉकेट्स मिल रही हैं, ज़्यादा पॉकेट्स मिलने के बाद आपको लैपटॉप स्लीव मिल रही है, रेन कवर मिल रहा है। इसमें तीन चीज़ें हैं बेटर जो इसमें नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है ये ट्रॉली स्लीव, और दूसरी चीज़ है ये साइड जिपर पॉकेट जो प्रिवोक में नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कौन सा बाय करना है। दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें आपको जो प्राइस मिलेगा एरिस्टोक्रेट का वो 3000 मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरे जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके बाय करते हैं तो ये आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ेगा। पर वो भी 1000 रुपीज़ का है, ये 3000 का है, लेकिन ये आपको 1000 का पड़ जाएगा अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं। हम आगे और भी कंपैरिजन करने वाले हैं ऐसी ब्रांड्स के बीच में, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।